गर्मी तो जो है वो तो है ही है, और हम भी अगर गर्मी अगर देखेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। घर छोड़ के आया है परदेश में लोग, तो काम तो करेगा ही। जब बच्चा पैदा हुआ था नहीं हुआ था, हम मच्छी वाले में लेके गए कस्तूवा में, तो अभी इन्होंने भर्ती नहीं लिया। 27 तारीख को यहाँ पर 3 बजे दूध पीने के बाद में बच्चा सो गया था, और इसके बाद में जब हमने देखा 4 बजे तो बच्चा ख़त्म हो गया था। यहीं बैठे रहते हैं धूप में, यहीं सोते हैं, हर काम नहीं है, बारिश हो जाए तो नहीं रहते हैं। काम करना पड़ता है, वेल्डिंग मशीन चलाना पड़ता है, सरिया बांधना पड़ता है, पूरा एकदम हीट हो जाता है ना जहाँ पे काम करते हैं। होल्टर भी इतना गर्म हो जाता है, 10 तरह पहन के काम करना पड़ता है। उसके बाद 3 दिन के बच्चे 10 बजे रात में ख़त्म हो गई, समझे हाँ हॉस्पिटल जाते जाते, और किसी चीज़ का व्यवस्था भी नहीं था। जो जो रात में जो बच्चों को वो करके रखे, धूप भी इतना तेज हो रही है, तो बच्चा इतना धूप में कैसे रह पाएगा। देखिए अगर हम अप्रैल से अगर अभी तक देखें तो 700 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है मौसम की मार की वजह से। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें, 11 जून 2024 से 19 जून 2024 तक में 192 डेथ्स हैं। दिल्ली हैज बीन विटनेसिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन रीसेंट वीक्स एज इंडियाज लॉन्गेस्ट एवर हीट वेव कंटिन्यू टू बेक नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। दिस वीक the weather department has also issued a red alert for national capital with its temperature hovering over 44 degrees celsius on tuesday the national capital recorded its warmest ever june night with the minimum temperature around 36 degrees celsius there have also been media reports of deaths due to heat wave news laundry met 2 families in old delhi who claim they lost their newborn babies to the severe heat in the city 7 महीने का जब बच्चा पैदा हुआ था नहीं हुआ था, हम मच्छी वाले में लेके गए कस्तूवा में, तो भी इन्होंने भर्ती नहीं लिया, भी इन्होंने पहुँचा दिया कहाँ अरवन में, अरवन वाले ने पहुँचा दिया मच्छी वाले में। हम परेशान हो गए, 2-3 घंटे किराए वाला हमने इसके पैसा खर्चा करा, जिसके बाद में बच्चा नहीं हो गया, बच्चा उल्टा पैदा हुआ। तो बच्चे का सिर है ना, आधा सिर अंदर ही रुक गया था, हाँ आधे घंटे बाद सिर बाहर आया। जिसके बाद में लौंडे की तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने 15-20 हज़ार रुपये करीब लगा चुका था, मतलब 400-500-800 कभी 400 कभी 300 रुपये उसी दवाई आ रही थी। पूरे 7 महीने दवाई चली उसकी, एक दिन दवाई नहीं रुकी, तो इलाज करता रहा। अब बीच में आन के लौंडियाँ सही हो गए थे, हैं तो 27 तारीख को यहाँ पर ये आप ये थैल खड़ी यहाँ पे, यहाँ पे लौंडिया को 3 बजे दूध पिलाया है, और 3 बजे दूध पीने के बाद में बच्चा सो गया था, और इसके बाद में जब हमने देखा 4 बजे तो बच्चा ख़त्म हो गया था। एक घंटे खत्म हो गया। अच्छा वाला था, जब तक कोई बीमार नहीं था, खांसी जुकाम पेट में दर्द कुछ नहीं था, अच्छा खासा गया। आप तो आपको लगता है ये डेथ गर्मी की वजह से हुआ है? हाँ गर्मी से हुआ है। आपके यहाँ पे क्या है व्यवस्था गर्मी के लिए? ये वजह क्या है, फैन वैन कुछ नहीं है? कुछ नहीं, पन्नी भी देखो यहीं बैठे रहते हैं धूप में, यहीं सोते हैं, हर काम नहीं है, बारिश हो जाए तो नहीं रहते हैं। आपका क्या घटना हुआ था उस दिन, क्या हुआ था थोड़ा बता दीजिए। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन वही था क्या नाम है, 3 दिन के बच्चे 10 बजे रात में ख़त्म हो गई, समझे हाँ हॉस्पिटल जाते जाते, तो डॉक्टर फिर अंदर पहुंची तो डॉक्टर ने देखे तो ये कह रहा ये तो ख़त्म हो गया, अभी इसका तो कुछ इलाज है ही नहीं। तो हम वापस लेके आ गए, तो वापस लेके आने में फिर 1 बजे दिन में फिर बच्चे को जाके वहाँ दफनाए, और किसी चीज़ का व्यवस्था भी नहीं था। जो जो रात में जो बच्चों को वो करके रखे, और धूप भी इतना तेज हो रही है, तो बच्चा इतना धूप में कैसे रह पाएगा, गर्मी के ज्यादा हाथ मरे। ऑन जून 19 द दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल इन दिल्ली इन्फॉर्म दैट दे रिसीव 22 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज इन ए सिंगल डे। इन ए ऑफिशियल लेटर टू स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी इन दिल्ली गवर्नमेंट द हॉस्पिटल अथॉरिटी इन्फॉर्म दैट that the sudden rise in number of dead bodies in the last 2-3 days could possibly due to extreme heat wave condition in the city. देखिए कभी भी सरकार और प्रशासन उसमें ना तो कभी सर्दी से और ना गर्मी से ना भूख से ना बारिश से इन डेथ को रिकॉर्ड्स नहीं करता है। अगर वो इनको रिकॉर्ड्स करेगा तो कहीं ना कहीं वो सरकार की विफलता दर्शाती है। देखिए अगर मैं पिछले 6 साल का आंकड़े की बात करूँ, एक हफ्ते का 11 जून से लेकर 19 जून 2019 की बात करें तो उसमें 143
डेथ्स हुई थी। अगर हम 2019 से वर्स्ट सिचुएशन 2024 के अंदर है, वहीं हम 2020 की बात करें तो 2020 में 11 मई से 19 मई तक 124 डेथ है, 11 जून 2021 से और 19 जून 2021 तक 58 डेथ है, 11 जून 2022 से 19 जून 2022 में 150 डेथ हैं, 11 जून 2023 से 19 जून 2023 तक 75 डेथ हैं, 11 जून 2024 से 19 जून 2024 में 192 डेथ हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े, ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, अगर हम इनको जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो ये आंकड़े मतलब हमारे को परेशान करने वाले आंकड़े हैं। ये देखिए, इसको अगर हम एनालाइज हम मौसम के हिसाब से करें कि जब जब मौसम बढ़ रहा है वो तो उस हफ्ते में डेथ्स कितना हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये आंकड़े जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज दिल्ली पुलिस बोल देती है, सरकार बोल देती है, वो कहीं ना कहीं शेल्टर से कनेक्टेड हैं और फुटपाथ पे लोग बग रहते हैं। देखिए अगर हम अप्रैल से अभी तक देखें तो 700 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है मौसम की मार की वजह से, और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें 11 जून 2024 से 19 जून 2024 तक में 192 डेथ्स हैं। अगर हम देखें कि 2019 और 2024 में काफ़ी डिफरेंस है, जहां 2019 में 143 डेथ्स थी, वहीं जून 2024 में 192 एक हफ्ते के अंदर डेथ्स हैं। अगर सरकार कह रही है कम है तो हम उसको भी एनालाइज करके देख रहे हैं कि 21 में डेथ्स कम है, 2023 में डेथ्स कम है पिछले साल की तुलना सेम टाइम पीरियड, बिल्कुल सेम टाइम पीरियड की। वी आर हियर विद डॉक्टर अजय सोहान हु इज इन चार्ज ऑफ द हीट वेव यूनिट इन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हेलो सर। हेलो। सो सर, आप लोग के यहाँ पे पिछले एक महीने में या सिंस मई टू जून कितने पेशेंट्स का एडमिट हुआ है और अभी कितना करंटली पेशेंट्स एडमिटेड है? ये 27 मई से हमने डाटा रिकॉर्ड करना और इसे भेजना शुरू किया, तब से लेके अब तक 27 मई से लेके 19 जून सुबह 9 बजे तक हमारे यहाँ 45 एडमिशन है, 45 और 11 डेथ्स रिपोर्ट। 11 डेथ्स सो फार। सो आप लोग के सर अपने पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी पेशेंट्स आए हैं, 24 घंटे के 23 पेशेंट और करीब 3 हम देखते हैं बूढ़े लोगों में और छोटे बच्चों में और जो दवाइयां ले रहे होते हैं किसी की बीमारी के, और एक्जर्शनल में देखते हैं जो कि हीट कंडीशन होने के बावजूद भी जिनका काम ऐसा है, जो एथलीट हैं या जिनका काम ऐसा है, लेबरर या डेली वेजर्स या हॉकर्स या रिक्शा पुलर्स या किसान जिनका काम ऐसा है कि वो करना ही पड़ता है उन्हें हीट के बावजूद, उनमें हम एक्जर्शनल वेरिएंट ज़्यादा देखते हैं। तो अब तक ये पाया गया है जो हमारे यहाँ एक्सपीरियंस रहा है इसमें एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक की तादाद अच्छी खासी है उनके मुकाबले जो कि क्लासिकल हीट स्ट्रोक हैं, वो भी हैं लेकिन कम है संख्या में। पिछले साल के तुलना के लिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अपने तजुर्बे से कि ऐसी ये स्थिति अप्रत्याशित है क्योंकि हमने कभी भी इतने क्या हीट स्ट्रोक के बहुत ही नगण्य के लगभग केस देखे हैं इतने साल हैं दिल्ली में, तो इस साल थोड़ी सी स्थिति जटिल है। According to doctors and experts, people belonging to underprivileged socio-economic background like daily wage workers and construction workers are most vulnerable in heatwave conditions. Earlier in May, Delhi LG ordered to grant paid leave for construction workers from 12 p.m. to 3 p.m. because of the extreme heat wave. We spoke to construction workers at two major construction sites in Delhi, the Central Vista Project and Saraikale Kha Metro Project. Workers alleged that they have not received a three-hour paid leave at all. Most of them were not aware of the order. They told News Laundry that they have to work 12-hour shifts with only an hour-long break during the day. काम करना पड़ता है, बेल्डिंग मशीन चलाना पड़ता है, सरिया बांधना पड़ता है, पूरा एकदम हीट हो जाता है ना जहाँ पे काम करते हैं, होल्टर भी इतना गर्म हो जाता है, दस्ताना पहन के काम करना पड़ता है। उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक देने की सरकार बात करते हैं ना कि काम करने के जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं ना, हाँ, उनको 3 घंटा ब्रेक देना चाहिए, तो उसमें क्या सोचते हैं, देना चाहिए 3 घंटे का? कितना है 3 घंटे का? नहीं देता है, 1 बजे तक काम करना पड़ता है। अगर जैसे संडे को है ना 2 बजे तक काम करना पड़ता है,
पहले 1 बजे तक हुआ था, अब 2 बजे तक करना पड़ता है संडे को भी। गर्मी तो जो है वो तो है ही है, और हम भी अगर गर्मी अगर देखेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। जो मजबूरी है, मजबूरी में तो अगला मजदूरी करेगा ही, घर छोड़ के आया है परदेश में लोग तो काम तो करेगा ही। 1 घंटा मान लो, 1 घंटा 2 घंटा करता हूँ और आधा घंटा आराम रेस्ट करता हूँ, फिर आधा घंटा के बाद फिर काम पे भिड़ जाते हैं। ड्यूटी 12 घंटे की, 8 से 8, 8 बजे आते हैं और फिर यहीं 1 बजे यहीं पर रुक जाते हैं, यहीं पार्क में 1 घंटा, जो कुछ मान लो नाश्ता पानी लाए खाए पिए, और नहीं लाए तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। अरे गर्मी महीने में तो पूरा शरीर ही सब बिल्कुल पसीने में तर हो जाता है, देखिएगा अभी तो सूखा नहीं, चक्कर आने लगता है। जैसे भाड़े के ऊपर हम लोग हैं और चक्कर यदि आने लगे तो नीचे उतर जाते हैं, उतर करके थोड़ी देर सहायता करके फिर बाद में चलते हैं। आपको सरकार से कुछ सुविधा मिलता है? सरकार से सुविधा कोई मिलती होती तो यहाँ क्या करने आते, मजबूरी है तभी कर रहे हैं ना। अगर हम लोग के पास नहीं रहता मजबूरी तो ऐसा काम थोड़ी करते हम लोग। गर्मी का जितने बड़ा ये प्रकोप चल रहा है, इसमें अधिक LG का तो ऑर्डर है कि 12 से कुछ भी बीच टाइम में थोड़ा गैपिंग देकर इस मजदूरों से काम कराना, लेकिन ये किसी भी जगह फॉलो नहीं हो रहा, ना इसको कहीं लागू किया जा रहा है ना कहीं वो किया जा रहा है। सरकार का जो पॉलिसी है लागू करने वाली, जैसे लेबर डिपार्टमेंट चाहें तो उसको लागू करा सकती है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर होते हैं, एक्चुअली इंस्पेक्टर है ही नहीं, कुछ हर ज़िले में एक एक इंस्पेक्टर है, तो वो तो शायद इलाके में जा ही नहीं सकते, तो उसको लागू कैसे कराएं। ये सरकार की सबसे बड़ा वो कमी है कि इसमें उसको लागू कराने की जो पॉलिसी है उनके पास वो नहीं है। और मजदूर जो देखिए कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, ठेकेदार, एक्चुअली मैं एक ठेकेदार से बात भी किया था, वो कह रहे देखिए जी अगर हम इनको काम बंद कराते हैं तो सरकार हमें क्या देगी, लेबर तो अपना पूरा दिहाड़ी जो भी हो तो मांगेगा, 700-800 जो उनकी दिहाड़ी वो तो मांगेगा, लेकिन हमें सरकार के पास से हमें फंड नहीं मिलता, इसलिए हम उसको कुछ कर नहीं सकते। ये है कि अगर बीच में एक ठेकेदार है जो कोई 1.5 घंटे का 1 घंटे का लंच मिलता था, इनको आधे घंटे का लंच दिए बढ़ा दिया, मतलब 1.5 घंटे का किया है कि उसको फिर, लेकिन वो ड्यूटी उतना ले लेता है, 6:30-7 बजे तक हो शाम तक वो काम कराता है, लेकिन सरकार की पॉलिसी नहीं है। इसमें सरकार को ऐसा करना चाहिए, काम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कि काम यह जब तक गर्मी है तो उसको बिल्कुल इसको बंद कर दे, और जो इनका बोर्ड है BOC बोर्ड, निर्माण मजदूरों का दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो बोर्ड है, उस बोर्ड से उन मजदूरों को कुछ आर्थिक सहायता देना चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री रीच्ड आउट टू बोथ द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट्स, हाउएवर वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी रेस्पॉन्स येट। वंस वी रिसीव देयर रेस्पॉन्स दिस स्टोरी विल बी अपडेटेड। देखिए अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें, और हम पिछले 10 सालों से सरकार को लिखते आ रहे हैं कि जैसे विंटर एक्शन प्लान होता है वैसे ही समर एक्शन प्लान होना चाहिए, वो हर एक सिटीज के अंदर होना चाहिए, जहाँ जहाँ गर्मी हो रही है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, वहाँ अगर हम देखें जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन में काम करते हैं, रिक्शा पुलर हो गया या दिहाड़ी मजदूर हो गए या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, वो कहीं ना कहीं लू की चपेट से, हीट वेव से अपने आप को परेशान पा रहे हैं और उसकी वजह से डेथ हो जा रही है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, सम रिलीफ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इज एक्सपेक्टेड इन द नेशनल कैपिटल इन द कमिंग डेज। हाउएवर, कंसर्न्स ओवर द हीट वेव कंटिन्यू टू परसिस्ट एज एक्सपर्ट्स वार्न दैट इंडियाज हीट वेव्स आर बिकमिंग डेडलियर ईच ईयर। So, it is crucial for the government to take urgent measures to protect life. With my colleague Prasant Kumar, Pratyush Deep, reporting for News Laundry. You can fund journalism that solely works for you. That is our motto at News Laundry. You can pay to keep news free so that news becomes accountable to you just like it's supposed to be. Visit newslaundry.com and become a paying subscriber so that you can pay to keep news free and independent.